शिमला ज़िला से हैं और बिल्कुल शिमला के साथ ग्राम पंचायत के जो है एनआरडीएम की तरफ खुली पंचायत पड़ती है उसके प्रधान भी रहे हैं और उपस्थित यहाँ पे सभी क्योंकि हमारे वकील साथी हैं जो सीनियर हमारे बाद में बोलूँगा लेकिन मैं दो तीन बातें कह के अपनी बात को ये विशेष परिस्थितियों में इस जनरल हाउस को जो है वो बुलाया गया है। कारण यह है कि कोरोना की वजह से दो साल निकल गए। हमारी मीटिंग या तो जुखाड़ा में होती थी झंडा में या कभी हमने चंबर एरिया में मीटिंग कर ली, कभी नैना देवी में मीटिंग हो गई, स्वार घाट में भी मीटिंग करी, कोठीपुरा में भी मीटिंगें हुई और नभोल में और छो में भी मीटिंगें हुई, लेकिन वो हमारी छोटी छोटी मीटिंगें थी। एक में चुनाव क्षेत्र है, एक और गोविंद सागर का किनारा है भाखड़ा से लेके और दूसरी तरफ हमारा चंगर एरिया है जो हमारे यहाँ पे नंगड़ से लेके कीरतपुर तक, ये चंगर एरिया जिसको बोलते हैं ये हमारा क्षेत्र है। पशुपालक गुज्जर आबादी के साथी जो है वो इस एरिया में है। कार्यक्रम ये था कि हम पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी के जो हमारे कार्यकर्ता हैं जो हमारे जनरल हाउस के मेंबर हैं उनको बुला के एक दूसरे से फिर दोबारा परिचय करवाएं क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया, इसलिए सबको इकट्ठा करने का जो है वो आज इसलिए हमने कार्यक्रम बनाया है। और साथ में मैं आपसे भी कहना चाहूँगा कि कांग्रेस पार्टी का जो सदस्यता अभियान है वो शुरू हो चुका है हिमाचल प्रदेश में। शिमला से उसकी शुरुआत हुई थी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यालय से और इसलिए हमने आज ये तय किया है कि आज के दिन से हमारा सदस्यता अभियान आज के दिन से हमारे इस हलके में शुरू करेंगे। ये ऊपर क्योंकि ये पहला हमारा हाउस अब की बात जो चार सालों में इतना बड़ा पहला ही हमारा ये जनरल हाउस हुआ है, उसके बाद फिर चुनाव की बात आ जाएगी। अभी हमारा पार्टी में कहूँगा कि सारा ध्यान रख के उसकी वैचारिक क्या वो है सोच है और पार्टी को ध्यान में रख के ये मेंबरशिप अभियान हमारा शुरू हुआ है। और मैं आपसे कहना चाहूँगा शायद पहले हो गया होता लेकिन कारण यह है कि दो साल तो कोरोना ने ले लिए और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से हदायतें आ रही है कि कांग्रेस पार्टी अपने चुनाव करवाए। अब चुनाव कराने का मतलब ये है कि अब जब अनाउंस कर दिया अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने तो हमारे जो पोलिंग स्टेशन से लेके ब्लॉक लेक से लेके फिर जब हमारे चुनाव पोलिंग स्टेशन की जो है वो वोटिंग लिस्ट ने उठाई, उनका नाम उनके पिताजी का नाम लिख दिया, कोई हाथ का अंगूठा लगाया कोई पाँव का अंगूठा लगाया और मेंबरशिप होगी। मेंबरशिप ढूंढ करने मतलब जिन्होंने मेंबर बनना है उनको ये भी पता नहीं है कि वो मेंबर हैं। कुछ ऐसे भी हमारे लोग मेंबर बना देते थे कि उस आदमी का संबंध भारतीय जनता पार्टी से है लेकिन हमारे लोगों का वो मित्र है इसलिए उसका नाम भी बीच में आ जाता था। अब भाई ये मित्र चारा नहीं चलेगा। हाईकमान ने कहा है कि कोई प्राइमरी मेंबरशिप फॉर्म नहीं होंगे, सारे जितने भी मेंबर बनेंगे वो एक्टिव मेंबर बनेंगे। एक फॉर्म भरने के बाद वो मेंबर अपना 10 रुपये देगा, बाद में क्या डायरेक्शन आएगी वो अलग बात है, तो अभी तो 10 रुपये एक फॉर्म जो भरेगा उसको अपनी पॉकेट से 10 रुपये देने पड़ेंगे ये फील करने के लिए कि नहीं मैं पार्टी का मेंबर हूँ। ये नहीं कि मैंने जो है ना 50 फॉर्म बना लिए पैसे अपनी जेब से दे दिए, ऐसा नहीं चलेगा, ये हाईकमांड ने कहा है। और जो फॉर्म भी आप भरेंगे, अब जैसे 20 फॉर्म में एक पोलिंग स्टेशन पर दूंगा दूंगा क्या ही हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी कमेटी देगी और उसको जो है वो हमारे जो है वो सीनियर लोग उसको देखेंगे। ये जो आपका 20 फॉर्म मिलेंगे मैंडेटरी ये है कि 4 जो है वो महिलाएं आपके जो पोलिंग स्टेशन हैं उस पर 4 महिलाएं एक्टिव मेंबर हों। 4 हमारे जो है वो एससी कम्युनिटी के जो है वो 4 मेंबर वो होंगे। उसके बाद जो भी है हमारा कास्ट कॉम्बिनेशन कोई ओबीसी है कोई दूसरे हैं उन सब का जो मेंबर्स हैं वो वहाँ से बनेंगे, 12 मेंबर वो बनेंगे
और 4 × 8 8 मेंबर जो है वो मैंने कहा महिला और एससी कम्युनिटी के जो लोग हैं वो हमारे मेंबर होंगे। अगर मान लो आप एक पोलिंग स्टेशन पे इन नॉर्म्स के मुताबिक अगर आप मान लो फॉर्म नहीं भरेंगे तो उसमें क्या होगा कि वो पोलिंग स्टेशन जो है वो जब आगे इलेक्शन होंगे पोलिंग आपके पोलिंग स्टेशन कमेटियों के, फिर आपके ब्लॉक के भी इलेक्शन होंगे, प्रदेश कांग्रेस कमेटी का मेंबर आप लोग चुनेंगे, तो वो जो पोलिंग स्टेशन है जिसमें ये फार्मूला जो तय किया है उसके मुताबिक अगर मान लो हम नहीं करेंगे तो उनको उस पोलिंग स्टेशन को वोट में हिस्सा लेने का अधिकार नहीं होगा। इसलिए हर पोलिंग स्टेशन पे अभी हम पहले चरण में आपको 20-20 फॉर्म दे रहे हैं और उसके बाद जो है वो कॉन्स्टिट्यूंसी कमेटी इलाका वाइज जो है तय करेगी, 10-15 आदमियों की ड्यूटी लगाएगी जो जाके पोलिंग स्टेशन पे जाएंगे और पोलिंग स्टेशन पे जाके जो है वो फॉर्म भरे जाएंगे, घर में नहीं भरे जाएंगे। उसमें हमारे जो ऑफिस बीरन हैं वो जो यूथ कांग्रेस के साथी हैं वो जो महिला कांग्रेस की हैं सेवा दल की अध्यक्ष यहाँ पे हैं तो वो सारे मैं कहूँगा इंटर के लोग हैं वो सारे इकट्ठे होके जो है उन फॉर्म्स को भरेंगे। सबको पता होगा कि फलां फलां आदमी हमारा जो है वो मेंबर है। इसलिए मैं कहूँगा कि आज का पहला काम तो ये है कि हमने मेंबरशिप अभियान हमने चलाना है। मैं कहना चाहूँगा कि अभी जो आपकी यहाँ की जो कमेटी अप्रूव करी है प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने वो अप्रूवल इनके पास पहुँच गई है। कृपया करके मैं प्रधान जी से भी कहूँगा कि आप इनको व्यक्तिगत तौर पे पत्र दें कि आपकी अपॉइंटमेंट प्रदेश कांग्रेस कमेटी से ये हुई है। जो आपके मेंबर बनेंगे अभी की मेंबरों की मैं बात कर रहा हूँ वो जो मेंबर बनेंगे उन मेंबरों को जो फॉर्म होगा उस फॉर्म पे आधार कार्ड का नंबर भी होगा और उसका मोबाइल नंबर टेलीफोन का नंबर भी उस पर होगा ताकि पूरी सूचना हो और सूचना एक एक पोलिंग स्टेशन से जो आपके मेंबर बनेंगे उसकी एक लिस्ट भी आप लोग बनाएंगे। 4-5 लिस्टें बनेगी, एक प्रदेश कांग्रेस कमेटी को जाएगी, एक प्रदेश के जो हमारे PRO लगेंगे उनको जाएगी, एक हमारे जिला कांग्रेस को जाएगी, एक हमारे पास रहेगी और तब पूरा रिकॉर्ड जो है ये ऑनलाइन सारा होगा।